हेलो माय डियर व्यूअर्स, मैं हूँ पीएसआर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉयल एप्स वी एड। दोस्तों, एक नया वर्कआउट वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ। और ये जो वर्कआउट वीडियो है, ये मेरे लिए एकदम सा नया है। मैंने आज तक इसके ऊपर कोई वीडियो बनाया नहीं था। आज इस वर्कआउट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक रेजिस्टेंस बैंड, जिसको हम थायरा बैंड भी बोलते हैं, उसकी मदद से घर पे रह के एक अच्छा वर्कआउट रूटीन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड्स, तो वर्कआउट शुरू करने से पहले आपको एक अच्छा सा वार्म अप कर लेना है। वार्म अप पे आप जंपिंग जैक लगा सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपके बॉडी को बहुत जल्दी हीट कर देगा। तो आइए जंपिंग जैक से शुरू करते हैं। इसका मिनिमम रेपिटेशन आप 30 रखेंगे। स्टार्ट विथ जंपिंग जैक। नाउ यू शोल्डर मोबिलिटी। चेंज स्ट्रेच योर शोल्डर। फ्रेंड्स, तो अब आपको हाई नीज करना है जिससे आपकी बॉडी और अच्छे से खुल जाएगी। नाउ चेंज। फ्रेंड्स, अब आपको स्क्वाट्स लगा लेना है 5 से 10 के बीच में। फ्रेंड्स, वार्म अप हो गया, तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो अब जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं, ये मेनली हमारे शोल्डर के लिए है। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको अपने रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों के नीचे रख लेना है। एंड देन आपको ग्रिप कुछ इस तरीके से इसका पकड़ना है। देन आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच फील करते हुए अपने शोल्डर में इसको लिफ्ट करना। कीप ब्रीदिंग। बहुत सही पंप फील हो रहा है दोस्तों मेरे शोल्डर में। इस एक्सरसाइज का भी आपको 3 सेट करना। दोस्तों, तो अब जो हम अपने शोल्डर की नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इसको परफॉर्म करने के लिए बैंड को आपको अपने पैरों के नीचे ले लेना है। एंड देन आपको ग्रिप इस तरीके से पकड़ना है।
एंड दोनों हाथ को अब आपको सामने की तरफ लिफ्ट करना स्लोली. फील स्ट्रेच इन योर शोल्डर. चेस्ट आउट. फ्रेंड्स तो इस एक्सरसाइज का भी आपको 3 सेट करना है और नंबर ऑफ रेपिटेशन आप इसका 10 से 15 के बीच में रखेंगे. फ्रेंड्स तो जो हमारा पहला एक्सरसाइज है इसको परफॉर्म करने के लिए आपको अपने रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों के नीचे कुछ इस तरीके से रख लेना है. एंड हम स्टार्ट करेंगे अपने बाइसेप्स को ट्रेन करना. चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट. नाउ स्टार्ट. स्विच योर हैंड्स. नंबर ऑफ रेपिटेशन आप एक हाथ से 10 रखेंगे. Feel stretch in your biceps. दोस्तों तो हमारे बाइसेप्स का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको परफॉर्म करने के लिए हमको इस रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैर के नीचे रख लेना है. एंड ग्रिप एकदम वाइड करके रखना आपको. देन आप अपना जो एल्बो है वो नीज पे रखेंगे और यहाँ से अपने बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे. फ्रेंड्स तो इस एक्सरसाइज का भी आपको 15 रेपिटेशन निकालना है और नंबर ऑफ सेट्स आप इसका भी 3 करेंगे. फ्रेंड्स तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये मेनली हमारे ट्राइसेप्स के लिए है. इसको परफॉर्म करने के लिए आपको रेजिस्टेंस बैंड को इस तरीके से अपने पैरों के नीचे रख लेना है. देन आपको अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करना. फ्रेंड्स तो इस एक्सरसाइज का भी आपको नंबर ऑफ रेपिटेशन 10 टू 15 के बीच में रखना है और सेट्स आप इसका कितना करेंगे 3. फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, तो ट्राइसेप्स की जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको परफॉर्म करने के लिए आपको अपने रेजिस्टेंस बैंड को हैंडल से नहीं, यहाँ से ग्रिप करना। एंड यहाँ से ग्रिप करने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, कि इसको पैरों के नीचे रख लेना आपने, एंड देन आपको बैकवर्ड पुश करना लाइक दैट। फ्रेंड्स, तो इसका भी नंबर ऑफ रेपिटेशन आप 15 रखेंगे और इसको आप 3 सेट में जरूर परफॉर्म करें। फ्रेंड्स, तो जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको परफॉर्म करने के लिए आपको अपने रेजिस्टेंस बैंड को वापस से अपने पैरों के नीचे रख लेना। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज मेनली हमारे विंग्स और लैट्स के लिए है। अब इसको परफॉर्म करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने पेल्विक बोन से बेंड हो जाना है पूरा, इस तरीके से आप लीन हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपका बैक स्ट्रेट रहेगा, ये इस तरह को नहीं जाएगा, बैक आपका स्ट्रेट रखना है। एंड देन आपको इसको ग्रिप सामने की तरफ पकड़ना है, फिर आपको इसे लिफ्ट करना। नंबर ऑफ रेपिटेशन आप इसका 12-15 रखेंगे। बहुत सही पंप फील हो रहा है दोस्तों मेरे लैट्स में। इस एक्सरसाइज को भी फ्रेंड्स आपको 3 सेट में करना है। दोस्तों, तो जो हमारे बैक का नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसको परफॉर्म करने के लिए आपको अपने रेजिस्टेंस बैंड को किसी विंडो या डोर में लगा रख देना है। एंड देन यहां से आपको बैठ के अपने हील पे रहना है, एंड देन अपने बैक को आपको ट्रेन करना। फ्रेंड्स, तो इस एक्सरसाइज का भी आपको 15 रेपिटेशन निकालना है और नंबर ऑफ सेट्स आप इसका भी 3 करेंगे। फ्रेंड्स, तो हमारे लेग का जो पहला एक्सरसाइज है, इसको परफॉर्म करने के लिए आपको थोड़ा सा साइड टू साइड मूव करना पड़ेगा। इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको इस रेजिस्टेंस बैंड को आपको इस तरीके से ग्रिप करके रखना है, एंड देन स्क्वाट्स वाले पोजीशन में आना है। दैट मींस आपका चेस्ट आउट रहेगा और बैक स्ट्रेट होएगा, एंड देन आपको यहां से फिर मूव करना है इस तरफ। चेंज साइड, अनदर टाइम, फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में आपका हैमस्ट्रिंग ग्लूट काफी प्रेशर आएगा।
ओके लास्ट लैप। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज का भी आपको पूरा 3 सेट करना। फ्रेंड्स तो लेग का जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको परफॉर्म करने के लिए आपको रेजिस्टेंस बैंड के ऊपर आ जाना है एंड देन आपको यहाँ पे टाइट ग्रिप कर लेना एंड देन अपने काफ को आपको रेज करना। फ्रेंड्स तो इस एक्सरसाइज का भी आपको नंबर ऑफ रेपिटेशन 12 टू 15 रखना है एंड आप इसका भी 3 सेट जरूर करें। फ्रेंड्स तो आज का जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है ये वाइड ग्रिप पुशअप्स है, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये आपका की एक्सरसाइज है, आप इसका नंबर ऑफ रेपिटेशन 12 टू 15 रख सकते हैं। Well done, your exercise is complete. Friends, तो ये थे वो सारे एक्सरसाइज जिनको आप अपने घर पे रेजिस्टेंस बैंड की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों रेजिस्टेंस बैंड हर एक स्पोर्ट्स और मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी जाके ले सकते हैं। दोस्तों इस रेजिस्टेंस बैंड का फायदा ये है कि इसमें आप लो इम्पैक्ट के साथ एक अच्छा वर्कआउट रूटीन परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी घर पे रह के। एंड वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।